सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आलोक राज लोकनाथ लोहरा कला जत्था धुंधुरू पेशरार के माध्यम से आपके बीच एक संदेश लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहते हैं मेरे दोस्त की काम में लेट हो जाए लेकिन नाम में लेट नहीं आना चाहिए। घर जो एक बार नाम के आगे लेट लग जाता है तो फिर जिंदगी में कुछ करने को बाकी नहीं होता। पूरी जिंदगी हम इंतजार करते हैं, यूं कहे तो हर बात पे इंतजार, हर समय पे इंतजार, हर मोड़ पे इंतजार। जिंदगी का हर एक जर्रा जर्रा हमसे इंतजार करवाता है। जब जिंदगी में पहली बार अपने एजुकेशन को शुरू करते हैं तो वहां पे इंतजार, स्कूल जाने के लिए इंतजार, मैट्रिक करने के लिए 10 साल का इंतजार, फिर इंटरमीडिएट में जाते हैं 2 साल और इंतजार, ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल और इंतजार बढ़ जाता है, नौकरी का इंतजार, शादी के लिए इंतजार, यहां तक कि मां की कोख से पैदा होने के लिए 9 महीने का इंतजार। लेकिन तब क्या हो जाता है, तब क्या हो जाता है जब हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं और कुछ सेकंड्स ऐसा लगता है कि जिंदगी में हमने कभी इंतजार करना ही नहीं सीखा। पीछे बाइक हमारी होती है, आगे ट्रक होता है, क्या जल्दबाजी है मेरे दोस्त। उस ट्रक को ओवरटेक करने में हम अपनी पूरी जिंदगी को ओवरटेक कर जाते हैं, ये हीरोगिरी है मेरे दोस्त। ऐसा लगता है कि जिस रास्ते से हम एक्सेलरेटर को तेज करके बाइक को स्पीड अप करके आगे चलते हैं तो लोग हमें हीरो कहते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और होता है। वो हर राह से गुजरने वाला राहगीर जिसकी नजर में आप अपने हीरो के इमेज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां विलेन का इमेज आपका बनता है। गालियां बकते हैं लोग, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, हालात तो कुछ ऐसा हो गया है दोस्त कि जिस तरीके से ये स्टंट्स का दौर चल पड़ा है, रोड पर तो कुछ लोग ऐसे बाइक चलाते हैं मानो कि पूरे बाइक पर आज नागिन डांस करके ही जाएंगे। हालात कुछ ऐसा हो गया है मेरे दोस्त कि अगर किसी एक अच्छे बाइकर का भी सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसके पास नहीं आते बल्कि कहते कि चलो ठीक हुआ, एक और हीरोगिरी दिखाने वाला खत्म हुआ, अच्छा हुआ हीरोगिरी इसके निकल गई। वो तड़पता रह जाता है और कोई इसको पानी देने नहीं आता। दोस्त, बाइक आपके माँ बाप ने आपको दिया है, वो नहीं देना चाहते थे। याद करो उस दिन को जब आपने पहली बार अपने माँ बाप से बाइक को डिमांड किया होगा, माँ बाप ने आपको ना कहा होगा, या तो पैसे की किल्लत होगी या फिर जिसके पास दौलत भी होगी तो वो सोचा होगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत तो आप हो उसके लिए। माँ बाप को डर सताता होगा कि बेटा बाइक लेगा, बाइक लेकर चलेगा, हीरोगिरी दिखाएगा, और अगर किसी दिन इस बेटे को कुछ हो गया तो फिर हम कैसे जी पाएंगे। लेकिन हालात तो कुछ ऐसा है दोस्त कि हम अपनी जिद के आगे माँ बाप को इतना मजबूर कर देते हैं। कुछ तो बेटे ऐसे हैं कि वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि बाइक मुझे मिल नहीं जाती। और हालात देखो दोस्त, क्या संयोग है कि बेटे के पेट में खाना नहीं जाता और माँ तड़प उठती है, बाप तड़प उठता है कि उनका इकलौता बेटा खाना नहीं खा रहा, और उसके इस भूख हड़ताल को देखकर वो अपनी नजरों को झुका लेते हैं, उसके सामने हार मान जाते हैं। समस्या यही खत्म नहीं होती है दोस्त, कुछ बेटे तो ऐसे हैं जो एक बाइक की खातिर सुसाइड करने की धमकी देते और कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर लूंगा। अरे मेरे दोस्त, बड़ी कचोट लगती होगी उस माँ को जब अपने सामने अपने बेटे को जिंदगी समाप्त करता हुआ सुनती होगी। वो इसीलिए तो नहीं देना चाहती बाइक की, घर आपको कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएगी, और अपने बेटे को सुसाइड की धमकी देता हुआ सुनकर वो माँ बाप उसके सामने हार मान जाते हैं, उसे बाइक दिला देते हैं और वो बाइक लेकर फिर वही दौर शुरू होता है, स्टंट्स का दौर, हीरोगिरी का दौर। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर बाइक चल रही है, फेसबुक पर लाइव आ रहा है, बेटा पोस्ट कर रहा है, कमेंट्स आ रहा है और ये दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास बाइक है, और आखिरकार मैंने अपने माँ बाप को हरा दिया। बड़ी शिद्दत से पाले होते हैं ये माँ बाप हमें मेरे दोस्त। यकीन करना कि जब जब आप अपने बाइक को लेकर अपने घर से बाहर निकलते होगे, माँ कलेजे पर हाथ रख लेती होगी कि बेटा जा रहा है,
पूरे समय जब तक आप उसकी नजरों से दूर होते तब तक वो ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, आपके सकुशल लौटने की प्रार्थना करती है। मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहूंगा कि घर अपने लिए ना सही, लेकिन सोचो सोचो कोई है दरवाजे पर जो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किसी के लिए तुम पूरी दुनिया हो मेरे दोस्त, तेरे पर ही उसकी दुनिया शुरू होती है और तेरे पर ही उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। मेरे दोस्त, कम से कम अपने लिए ना सही, उसके लिए जरूर घर लौट कर जाओ, सोचो उसके बारे में। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक माँ के लिए जिंदगी का सबसे खुशी का मौका तब रहा होगा मेरे दोस्त, जब आपने जिंदगी में पहली बार बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिन परिश्रम करने के बाद जब आपके मुंह से जब आप छोटे होंगे उसकी गोद में खेलते होंगे और जब पहली बार आपने उसको माँ कह के पुकारा होगा, तब आपकी माँ के जिंदगी का सबसे सुकून वाला पल रहा होगा। जब एक बाप अपने बेटे को चलना सिखाता है, उसकी उंगलियों को पकड़ कर चलना सिखाता है, और जिस दिन उसका बेटा उंगली छोड़कर भी पहला कदम जो तय कर लेता है, पहला सफर जो तय कर लेता है बिना उंगली के सहारे के, वो दिन उस बाप के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। ये जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं है मेरे दोस्त, कर्ज है तेरी जिंदगी पर तेरी माँ बाप का, बड़ी शिद्दत से पाला हुआ है उन्होंने तुझे। मेरे दोस्त, सुनने वाले से ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने जिंदगी का महत्व अपने माँ बाप के लिए समझने की कोशिश करो, और अगर आपका कोई दोस्त ऐसा करता है तो प्लीज उसको समझाओ। मैं उस दोस्त को कभी पसंद नहीं करता जो मेरे बाइक के पीछे बैठकर और मार्केट में मैं चल रहा हूँ, भीड़ भाड़ वाले इलाके में चल रहा हूँ, और मेरा दोस्त मेरे से बार बार कहे कि मनोज तू और तेज चला, मजा आ रहा है मुझे, और मजा आ रहा है। मैं उस दोस्त को कतई पसंद नहीं करता मेरे दोस्त। मैं उस दोस्त को पसंद करता हूँ जो मेरे पीछे बैठे और मेरे पीछे बैठकर जब मैं तेज चलाऊं तो मुझसे कहे कि नहीं मनोज तू तेज मत चला। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी का डर है, बल्कि इसके लिए कि अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे जी पाऊंगा। मेरे दोस्त, इस घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में कहीं ये घर हमेशा के लिए छूट न जाए, इसका ख्याल रखना। निवेदक, सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग, लोहरदगा।